भागलपुर पुलिस की लापरवाही की तस्वीर देखने को मिली है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खलीफाबाग चौक के पास पुलिस की जीप के द्वारा सड़क के बीच में लगे डिवाइडर पर जबरदस्त ठोकर मारी गई है, जिससे डिवाइडर हवा में उड़कर दूसरी तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार पर जा लगा, जिससे वो चोटिल हो गया। वहीं पुलिस जीप वहां से युवक को बिना मदद किए और उसे उठाने तक की जहमत नहीं उठाई और वहां से चली गई। घटना की पूरी तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस जीप ने डिवाइडर में ठोकर मारी और डिवाइडर मोटरसाइकिल सवार युवक पर जा लगा। वहीं घटना के बाद युवक 20 सड़क पर बैठकर रोड को जाम कर दिया और धक्का मारने वाले पुलिस जीप के ड्राइवर और पुलिस कर्मियों को बुलाने की मांग करने लगा। घंटों रोड जाम रहने के बाद कुछ पुलिस वाले पहुंचे और युवक को जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठा कर इलाज के लिए ले गए। युवक का सिर्फ इतना कहना था, उसे धक्का मारा गया तो पुलिस वालों ने उसे उठाया क्यों नहीं, उसे सड़क पर ही छोड़कर क्यों भाग गया, अगर उसकी मौत हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। वहीं पुलिस की इस लापरवाही को देखते हुए आसपास के लोग भी युवक के समर्थन में खड़े हो गए थे। धक्का मारा, हम आ रहे थे उधर से, इसमें वो मारा धक्का, उड़ के मेरे मुंह पे लग गया और पाछे लग गया, यहाँ और यहाँ दोनों चोट है। यहाँ देखने ना, हाँ यहाँ बताइए ना, कब मारा? अभी तो 2 मिनट वहाँ भाग गया, चाबी लिया वो भाग गया, फोर व्हीलर से था, जिप्सी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छोटू कुमार। अभी जाम किए हुए हैं? हाँ जाम किए हुए हैं, वो आएगा उसको हम छोड़ देंगे, बस तो मेरे सामने में आ जाए अभी बस, और हमको कुछ ना करेंगे उसको। धक्का मार के भाग, बस तू धक्का मार के भाग, उससे अभी मेरे पास है, देखिए किसका चाबी? उसका गाड़ी का, ये गाड़ी है उसका, दूसरे चाबी से नहीं, वो फोर व्हीलर से था, मैंने गाड़ी तोड़ दिया, हाँ पुलिस का जिप्सी गाड़ी था, बस भागा का है इसीलिए दर्द है, और कोई बात नहीं मर जाता। भागलपुर में शनिवार को 4 जगहों के ट्रैफिक सिग्नल को ट्रायल के लिए चालू किया गया है। पूरे शहर में 14 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है, लेकिन ट्रायल के लिए कचहरी चौक, मनाली चौक, तिलका मांझी चौक एवं घंटाघर चौक पर शुरू किया गया है। ट्रायल में ही शहर में जाम लगने लगा, ट्रायल की मॉनिटरिंग की जा रही है। कई जगहों पर जाम जैसी समस्या उत्पन्न हो गई, सिग्नल के समय को लेकर भी बातें की गई। मनाली चौक पर लगे ट्रैफिक लाइट के समय में बदलाव किया गया, अभी सभी चीजों को देखा जा रहा है, जहां भी परेशानी होगी उसमें बदलाव किया जाएगा। पहले शहर की सैंडिस कंपाउंड के चारों तरफ वन वे लगाया गया था, अब इसे खत्म कर ट्रैफिक के नियमों के अनुसार चलना होगा। ट्रायल किया जा रहा है, इसको लेकर कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। कंट्रोल रूम से सभी चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। ट्रायल में ही शहर में जाम लग रहा है, सिग्नल्स के बावजूद ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ रहा है। ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि अभी ट्रायल किया जा रहा है, पूरे तरीके से तैयारी भी नहीं हो पाई है, कई जगहों पर डिवाइडर भी नहीं लगाए गए हैं, लोगों को अभी ट्रैफिक नियमों के बारे में पता नहीं है। सबों को बताया भी जा रहा है, आगे से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से फाइन भी वसूले जाएंगे। अभी शहर की यातायात व्यवस्था फिर से वन वे पर आ गई है, ट्रायल के बाद पूरे शहर में फिर से जाम लगा। आज 24 तारीख से शहर में ट्रैफिक सिग्नल का ट्रायल शुरू किया है, अगले 15 दिन तक ये ट्रायल रहेगा, और ये पूरी तरह से हम लोग तैयार नहीं है अभी, क्योंकि बहुत जगह डिवाइडर लगाना बाकी है, इसलिए जाम लगना आम बात है, लेकिन धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। लोगों को भी अभी आदत नहीं है, क्योंकि पहले ट्रैफिक की व्यवस्था डिफरेंट टाइप की थी, जैसे कि वन वे की व्यवस्था थी और पुलिस कर्मी के द्वारा राह दिखाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोगों को आदत ही नहीं है कि सामने ट्रैफिक में ग्रीन जल रहा है, येलो जल रहा है या रेड जल रहा है, तो थोड़ा समय लगेगा और लोगों को भी संयम बरतना चाहिए इस पर, कि हड़बड़ाए नहीं, थोड़ा संयम बरते, थोड़ा वेट करे, देखे किधर जाना है नहीं जाना है, बिना देखे आगे न बढ़े, तो धीरे धीरे लोग अडेप्ट हो जाएंगे और उम्मीद है कि ये ट्रैफिक सिग्नल भी हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। सर जागरूक भी किया जाएगा क्या लोगों को, जो जानकारी? लोगों को जागरूकता का काम तो मीडिया वाला कर ही रहे हैं, प्रिंट मीडिया में चाहे डिजिटल मीडिया में, हर मीडिया में आ रहा है, हम लोग भी जागरूक कर ही रहे हैं, और ये जागरूकता का अभियान हमेशा से चलते आ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं। साथ ही ये कहना चाहेंगे कि ऐसा यदि लोग सोचते हैं कि ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन करेंगे और बच जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, हम नियमों को सख्ती से पालन कराएंगे और जो लोग उल्लंघन करेंगे उसका फाइन भी वसूला जाएगा, क्योंकि आज ट्रायल है, आज पहला दिन है और लोगों को भी इतना अचानक समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा सतर्कता बरते हुए हैं। सर लाउड स्पीकर का आवाज़ कम है, लोग सुन नहीं पा रहे हैं। कौन लाउड स्पीकर? उसके बारे में अभी नहीं पता, सब ट्रायल में है, देखने दिए और देखते हैं उसमें क्या व्यवस्था, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ सब कुछ किया जा रहा है। भागलपुर के बिहपुर से भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए प्रतिक्रिया दी है। विधायक शैलेंद्र ने कहा कि उन्होंने देश विरोधी बातें की हैं।
अपने बच्चों को विदेशों में ही रहने की सलाह दी है और कहा है कि भारत में रहने का माहौल नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वहां ऐसे बयान निंदनीय है। राजद का कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी, आरजेडी की जब सरकार थी, तो मंत्री भी रहा करते थे और अभी तो प्रदेश अध्यक्ष भी बनने वाले थे, लेकिन देश विरोधी बातें कहकर वो अपने बच्चे बाल बच्चे के बारे में कह रहे हैं कि अब देश में रहना यहाँ के माहौल में नहीं है, इसलिए तुम लोग विदेश में ही रहो, वहीं की नागरिक थे। ये घोर निंदनीय है। मैं ऐसे कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूँ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जिस देश में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबों को एक साथ लेकर चलने का मन में ठाना है, वहां पर एक अल्पसंख्यक समाज के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी देश विरोधी बातें कर रहे हैं, इनका मैं घोर निंदा करता हूं। भागलपुर में एक ऐसा पंचायत है जहां के मुखिया ढोल नगाड़ा बजाते हुए सरकार की हर योजना की जानकारी देते हैं। जी हां, भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के इकडारा पंचायत के मुखिया संजीव सहाय ढोल नगाड़े बजाकर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हर योजना की जानकारी अपने पंचायत के लोगों को देते हैं, जिससे पंचायतवासियों को पंचायती राज के हर योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही उन योजनाओं का फायदा कैसे लिया जाए इसके लिए भी वो जागरूक हो जाते हैं। बिहार के किसी भी पंचायत में इस तरह से योजनाओं की जानकारी लाभुकों तक नहीं पहुंचाई जाती है। मुखिया के इस कार्य की पंचायत के लोग भी तारीफ करते हैं। मुखिया ने बताया कि गांव के लोग काफी भोले होते हैं, योजनाओं की जानकारी उनको नहीं होने से कई योजनाओं के लाभ से वो वंचित हो जाते हैं, इसलिए ढोल नगाड़ा बजाकर लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस माध्यम से गांव भी विकास की ओर अग्रसर हो गया है। गांव के लोग न केवल खुश हैं बल्कि अपने गांव का विकास देख मुखिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे हैं। आने का मेरा मेन मोटो था, यो सरकार का योजना चल रही है 15वीं और 16वीं वित्त आयोग का, जनता के प्रति जागरूक पैदा करना कि कहाँ पे रोड बनना है, कहाँ पे नाला बनना है, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, वो जनता को हम बताते हैं कि आप लोग आइए और हमको बताइए कि कहाँ कहाँ क्या समस्या है, और हमको बुलाइए, उस समस्या का समाधान करेंगे, वहाँ रोड बनाएंगे, वहाँ नाला बनाएंगे, और जो भी बुनियादी चीज़ है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक है, जैसे राशन कार्ड बनाना है गरीब आदमी का, जो कि अंतिम पायदान पे जो लोग है जिसके लिए पेंशन नहीं है उसको पेंशन करवाना, और जो भी योजना चल रहा है तो उस योजना के बारे में बताते हैं कि मरम्मती कार्य कहाँ होना है, कौन समुदाय भवन का मरम्मती कार्य होना है, कहाँ पे सामूहिक शौचालय बनना है, कहाँ पे लोग को जो है मतलब शौचालय में परेशानी होता है, क्या फायदा मिलता है, लोगों को जागरूक लोग होते हैं कि हमारे यहाँ पे पंचायत में ये योजना आया है, इस योजना का इम्प्लीमेंट करवाना है, हमको लाभ लेना है, पब्लिक को ये सोशल अवेयरनेस करवाते हैं कि जागरूकता करवाते हैं कि आपके यहाँ योजना आया है, अगर कोई क्रियाशील नहीं है तो आप पब्लिक आइए हमारे पास में, आप पब्लिक हमको बताइए और हम आपका निष्पादन करेंगे और डंके के चोट पे आपका समस्या का समाधान करेंगे, आपसे एक भी पैसा कहीं नहीं लिया जाएगा और हम आपके लिए काम करेंगे। बिहार में शराबबंदी के 6 साल बीत गए, लेकिन शराब माफिया धड़ल्ले से शराब की खेप बिहार में ला रहे हैं। हाल में ही जहरीली शराब पीने से छपरा में सैकड़ों लोगों की जान गई, इसके अलावा सारण में भी 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में माफिया शराब लाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला अहले सुबह का है, जब भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनहौला चेक पोस्ट पर पुलिस ने एक कार और स्कॉर्पियो को जांच के लिए रोका। ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने करीब 15 किलोमीटर तक पीछा कर एक कार को धर दबोचा, जिसकी तलाशी लेने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ। हालांकि समय रहते चालक मौके से फरार हो गया। जगदीशपुर पुलिस को चकमा दे स्कॉर्पियो चालक वहां से फरार हो गया, जिसके बाद जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने इसकी जानकारी बाईपास टीओपी को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्कॉर्पियो का पीछा किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तेज रफ्तार से भाग रहा स्कॉर्पियो खाई में जा गिरा। रात होने की वजह से पुलिस को इस बात की खबर नहीं मिली कि स्कॉर्पियो खाई में जा गिरी है। सुबह बाईपास पुलिस ने खाई से स्कॉर्पियो को बाहर निकाला तो भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया।
पुलिस ने स्कॉर्पियो से कई फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद किए। खाई में घिरे स्कॉर्पियो पुलिस का नंबर प्लेट लगाकर शराब की तस्करी कर रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। छपरा में जहरीली शराब से भी मौत और थाने से स्प्रिट गायब होने की खबर के बाद जहां प्रशासन स्प्रिट गायब होने की जांच कर रही है, वहीं थानों में रखी अब शराब को विनिष्ट करने का भी काम जोर शोर से किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री के आदेशों की भी अवहेलना उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री का आदेश था कि शराब विनिष्ट करने के बाद टूटी हुई बोतलों को इकट्ठा कर चूड़ी बनाने वाले महिलाओं और फैक्ट्रियों को भेजा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना लगातार की जा रही है। आज भागलपुर के सबौर थाना में 786 लीटर शराब को विनिष्ट किया गया, वहीं टूटी हुई बोतलों को भी गड्ढे में दफन कर दिया गया। उत्पाद निरीक्षक का कहना था कि भारी संख्या में जब बोतल होती है तो उसे पटना भेजा जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा दिए निर्देश में कम और ज्यादा कहीं से भी कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद भी उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार इस तरह की अनदेखी की जा रही है। इन बोतलों को क्या किया जा रहा है सर? बोतलों को तभी तो तोड़ कर करके जो है जेसीबी से क्रशिंग किया जा रहा है। क्रशिंग करने के बाद जो बोतल जो शेष बच जा रहे हैं उसको पटना भी भेजा जा रहा है, और जब संसाधन नहीं रहता है तो उसको फिर पुनः उसको जो है अभी गड्ढे में ही डाल दिया जा रहा है। तो अभी संसाधन मिल रहा है सर, जो सरकार की योजना थी कि इनको चूड़ी बनाने के लिए? हाँ, मिल रही है, क्योंकि ये भाई अभी यहाँ से बहुत दूरी है और इसका रख रखाव पर डे कर पाना संभव नहीं है। जब हमारे पास रहती है तो हम लोग उसको वहाँ के लिए भी भेजते हैं। जब बड़ी मात्रा होती है जिसमें ज़्यादा बॉटल निकलती है तब उसको हम लोग पटना के लिए भेजते हैं। आज चूँकि ज़्यादा मात्रा नहीं था इसलिए आज इसको उसी गड्ढे में विनष्ट कर दिया।